हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्किन वाइटनिंग मिल्क फेशियल बताने जा रही हूँ, कंप्लीट फेशियल कैसे करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पार्लर जाने का टाइम नहीं होता और हमने किसी पार्टी या फंक्शन में जाना होता है, तो हमें ज़रूरी होता है कि हम अपना फेशियल करवा सकें या कर सकें। तो आज मैं आपको बहुत ही ईजी वे में फेशियल बताने जा रही हूँ, जो कि आप किसी भी पार्टी में जाने से पहले खुद अपने घर में 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्लींजिंग। तो क्लींजिंग के अंदर फ्रेंड्स, हमने क्लींजिंग मिल्क लिया है। ये कच्चा दूध है हमारा। क्लींजिंग जो है हम मिल्क से करेंगे। कच्चे दूध की एक चम्मच हमने ले लेनी है इस तरह से, और कॉटन लेकर हमने सबसे पहले कच्चे दूध पे लगाते हुए इस तरह से हमने सबसे पहले क्लींजिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, हम 2 मिनट के लिए इस तरह से क्लींजिंग कर लेंगे अच्छे से कॉटन से करते हुए। इसके बाद आप 2 मिनट करके साफ कॉटन से इसे साफ कर सकते हैं। बहुत ही क्लियर हो जाएगा, इससे आपका जो है डस्ट है वो बिल्कुल निकल जाएगी और चेहरा आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये हमने क्लींजिंग 2 मिनट के लिए करनी है। उसके बाद हम वॉश भी कर सकते हैं और सूखी कॉटन से, साफ कॉटन से इसे साफ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रबिंग करनी। तो स्क्रबिंग हम कैसे करेंगे, हमने ये चावल का आटा लिया है 1 चम्मच। इसके अंदर हम 1 चम्मच कच्चा दूध डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें शहद डाल देंगे। हम इसे मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छा स्क्रब बनकर तैयार हो गया है, जो हमारे चेहरे को ग्लो भी देगा और साफ भी करेगा। ये हमारा स्क्रब बनकर तैयार है। इसे हमने इस तरह से हाथ से लेते हुए, उंगलियों से हमने इस तरह गोल गोल घुमाते हुए चेहरे पर स्क्रब कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए चेहरे पर करेंगे। स्लो मोशन में हमने करना है और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए बहुत ही स्लो हाथों से आपने मसाज करना है। तो मैंने इसे थोड़ा सा किया है। आप इसे 8 से 10 मिनट तक अपने चेहरे पर राउंड राउंड घुमाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए स्लो मोशन में आपने इसको मसाज देना है। आपने ये ध्यान रखना है, इसे आंखों पे नहीं लगाना, आंखों पे मसाज नहीं करनी, क्योंकि आंखों की स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होती है और लूज पड़ जाती है अगर हम वहाँ स्क्रब की मसाज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा स्टेप है पैक लगाना। तो पैक के लिए हमने लिया है 1 चम्मच मैदा। इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे कच्चा दूध, 1/2 चम्मच हम कच्चा दूध डालेंगे, 1/2 चम्मच हमने शहद डाला है, और ये हम डालेंगे रोज वाटर 1 चम्मच। तो फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये एक हमारा बन गया है पैक। अच्छे से मिक्स करके हमने इस पैक को थिक लेयर के अंदर इस तरह से हमने अपने चेहरे पर अप्लाई कर देना है, और 5 से 7 मिनट के बाद थोड़ा सा सूखने पर इसे हमने वॉश कर देना है। आपने देख लेना है, कई बार मौसम के अकॉर्डिंग जल्दी सूख जाता है, कई बार 10 मिनट लग जाते हैं, तो वैसे 5 मिनट से 7 मिनट लगते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फैलाना है और उसके बाद हमने नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर देना है 5 से 7 मिनट के बाद। तो आप देखेंगे इसे उतारने के बाद आपका चेहरा जो है कैसे निखर के आता है। आपको कभी भी कहीं से फेशियल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्दी के अंदर ये फेशियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्किन वाइटनिंग है। आपकी जो स्किन है, आपका जो चेहरा है, वो एकदम से निखर के वाइट आएगा। उम्मीद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप इसे ट्राई करें। इसके अंदर आपने देखा है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके चेहरे को कोई नुकसान दे। आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी बात आपने पूछनी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई रेमेडी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।